नाराय नमो नमः अविरल शब्द घनो घप प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानाम चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्री साम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशक मेदम शास्त्रम श्री तत्वार्थ सूत्र नाम धेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री उमा स्वामी देव ब्रचितम श्रोतारा सावधानतया श्रुण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य उमा स्वामी तीर्थ द्वारा रचित श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ अपर नाम मोक्ष शास्त्र इसके चौथे अध्याय के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर माने ऊपर की ओर किस चीज की कमी होती है और किस चीज की अधिकता होती है ये चर्चा हमने कल देखी थी। पुस्तकें तो सबको दी हुई हैं अभी आसपास देख रहे हो कल से सब अपनी अपनी पुस्तकें लेकर के आएंगे। देखिए अब आप जरा नहीं सबको दी हुई हैं। कल हमने जो वैमानिक देव हैं उन वैमानिक देवों में जो ऊपर की ओर वैमानिक देव हैं उनमें किस किस की अधिकता है और किस किस की न्यूनता है ये बात देखी थी। इसमें आप थोड़ा सा इतना विशेष और अर्थ स्पष्ट कर रहा हूँ मैं जो 21 नंबर सूत्र है उस 21 नंबर सूत्र में सबसे पहले शब्द आया है गति। तो गति का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो उसमें जो ऊपर के देव हैं नीचे के देवों की अपेक्षा उनकी गति तो अधिक है। अब गति मतलब स्पीड लेना कि उनकी स्पीड तो जाने की अधिक है लेकिन उनकी गति अधिक नहीं है। मतलब ये कि वे जाते नहीं है। हाँ गति माने शक्ति। हाँ वो शक्ति तो अधिक है जाने की लेकिन वे ऊपर के देव उनकी इच्छाएं कम होती हैं इसलिए वे कहीं जाते नहीं हैं तो इस अपेक्षा उनकी गति कम है। गति मतलब एक स्थान से दूसरे जाने की जो बात है ना एक स्थान दूसरे स्थान पर गमन करना जाना वो उनका कम है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं है। नीचे वालों से ऊपर वालों में शक्ति तो अधिक है जाने की लेकिन विकल्प नहीं होता जाने का इसलिए जाते नहीं है उस अपेक्षा से कहा कि गति कम है। दूसरा आपका प्रश्न था कि वैमानिक देवों में ही मूल शरीर को विमान में छोड़ते हैं अथवा चारों ही निकायों के देव अपने मूल शरीर को अपने अपने निवास स्थान पर छोड़ करके जाते हैं। तो चारों ही निकाय के देव उनका जो भी निवास स्थान है सबका निवास स्थान तो फिक्स है ही चाहे भवन वासी हो तो नीचे भवनों में है। बैंतरों का भले ही वो स्थान अलग अलग है पर अपना फिक्स स्थान है। पेड़ों पर रहते तो पेड़ हो गया उसका फिक्स स्थान वनों में रहते तो वन उसके फिक्स स्थान हो गए। तो ऐसे ही बैंतर और ज्योतिषियों का तो फिक्स है ही माने उनकी तो यहाँ वहाँ की बात है ही नहीं। पूरे के पूरे ज्योतिषी देव
190 योजन की अवधि में रहते हैं, 110 योजन की अवधि में रहते हैं, 790 योजन ऊपर और 900 योजन तक, तो 110 योजन की अवधि में रहते हैं, उनके अपने विमान फिक्स हैं, तो उन विमानों में अपना अपना स्थान सबका फिक्स है, तो उस स्थान पर उनका शरीर रहता है, मूल शरीर, और अन्यत्र भी विक्रिया के माध्यम से ही गमन करते हैं। ये मुझे दो बजे स्पष्ट करना थे, अब हम आगे देखते हैं। निकालिए आप सूत्र नंबर 22, मैं बोल रहा हूं उसके बाद आप दोहराएंगे। पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वि त्रि शेषेषु, पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वि त्रि शेषेषु, पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वि त्रि शेषेषु। देखिए आप जरा सूत्र का यदि अर्थ देखें तो क्रम से पीत पद्म शुक्ल लेस्या, माने तीन लेस्याओं की बात हो गई जो शुभ लेस्याएं हैं, पीत पद्म और शुक्ल, द्वि त्रि शेषेषु, मतलब पीत लेस्या का संबंध हो गया द्वि से, पद्म लेस्या का संबंध हो गया त्रि से, और शुक्ल लेस्या का संबंध हो गया शेषेषु से। तो इस प्रकार से बात चल रही वैमानिकों की, तो वैमानिकों में जो पीतलेश्या है वो दो युगलों में, पद्मलेश्या है वो तीन युगल में, और जो शुक्ललेश्या है वो बाकी के सभी स्वर्गों में और आगे ग्रेवे कादिक में अनुदेश आदि में होती है। ये तो हुआ सूत्र का सामान्य अर्थ। अब जरा आप नीचे देखिए, दो तीन कल्प युगलों में तथा शेष वैमानिकों में क्रमशः पीत पद्म और शुक्ललेश्याएँ होती हैं। तात्पर्य यह है कि सौधर्म ईशान तथा सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में पीतलेश्या, पीत के लिए लिखा द्वि, माने द्वि युगल में, और दो युगल कौन से कि पहला सौधर्म ईशान का, दूसरा सानत कुमार महेंद्र का, एक एक युगल है सौधर्म ईशान सानत महेंद्र, ये एक एक युगल हैं, तो दो युगलों में कौन सी लेश्या कि पीतलेश्या होती है। फिर कहा ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र कल्प में पद्मलेश्या। अभी सामान्य सूत्र का अर्थ है कि जो पद्मलेश्या है वो पद्मलेश्या त्रियुगल में, तो तीन युगल कौन से हैं अगले दो युगलों के बाद में, उनके नाम लिख दिए, उनमें ये पद्मलेश्या होती है। और उसके बाद में इसके ऊपर के कल्पों अर्थात सतार सहस्रार आनत प्राणत और आरण अच्युत कल्पों में तथा कल्पातीत विमानों अर्थात नव ग्रेवक नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानों में शुक्ल लेस्या होती है। ये जो अभी मैंने आपको सामान्य सूत्र का अर्थ किया था वो यहाँ विस्तार से लिखा हुआ है। अब ये जो लेस्याएं हैं ये इस प्रकार से बतला दी कि पीत दो युगलों में, पद्म तीन युगलों में, और बाकी के जो युगल हैं उनमें भी, और जो कल्पातीत हैं उनमें भी कौन सी लेस्या है कि शुक्ल लेस्या है। ये तो आचार्य उमा स्वामी देव ने सूत्र ऐसा लिखा तो उसका सामान्य अर्थ हुआ। फिर इसके जो टीकाकार आचार्य हैं उन टीकाकार आचार्यों ने ये जो द्वि त्रि शेषेषु की जो बात है तो इसमें मिश्र रूप में लिखा हुआ है, मिश्र रूप में लिखा है। इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए पहले दो युगल हैं, अभी मैं इसको पूरा विस्तार करके नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको तो केवल मुझे सूत्र का अर्थ मुझे समझाना था, आपको समझा दिया मैंने, बस इतना और बता रहा हूँ कि आचार्यों ने इसमें कैसे वर्णन और किया है कि जो युगल हैं उन युगलों में जिससे पहला युगल है तो वहाँ पीत की बात करी, पहले दो युगलों में पीत की बात करी तो उसको कैसे जोड़ा कि जो ऊपर का युगल है उसमें पद्म भी होगी और पीत भी होगी, ऊपर के युगल में पद्म भी होगी पीत भी होगी, ऐसी और ऊपर का जहाँ शुक्ल की बात है तो जहाँ पद्म पूरी हो रही है वहाँ शुक्ल भी होगी, फिर अब शुक्ल की बात करी शेष सभी में, तो शेष सभी में शुक्ल की बात करी तो इन लेस्याओं में और भी भेद प्रभेद होते हैं, सामान्य से 6 लेस्याएं हैं, फिर जगन्य मध्यम उत्तम आदि भी और अनेक प्रकार से इनमें भेद होते हैं। तो वो सामान्य जो जहाँ जहाँ शुक्ल लेस्या है बाकी के युगलों में तो उनकी अपेक्षा जो ऊपर वाले स्वर्गों के देव, स्वर्ग मतलब कल्पाती देव हैं तो उनमें वो परम शुक्ल लेस्या होगी, सर्वार्थ सिद्धि आदि परम शुक्ल लेस्या होगी, इस प्रकार से भी आचार्यों ने कथन किया हुआ है। जैसे अब आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे पढ़ रहा हूँ आखिरी पैराग्राफ, इसके ऊपर आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पों में और नव ग्रेवक में शुक्ल लेस्या है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गई शुक्ल लेस्या नौ ग्रेवक तक, उसके बाद नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेस्या है।
तो इस प्रकार से भी इसमें कथन किया हुआ है। तो ये लेशियाओं की बात थी। अगले सूत्र में आप देखेंगे कल्प किसे कहा, कल्प कहाँ तक हैं उसकी बात की जा रही है। सूत्र बोलेंगे आप प्राक, ये है तो संधि के बाद ग, लेकिन अभी बात करूं का की, प्राक ग्रैवेक केभ्या कल्पहा, प्राग ग्रैवेक केभ्या कल्पहा, प्राग ग्रैवेक केभ्या कल्पहा। तो यहां प्रश्न हुआ कि कल्प शब्द बार बार आ रहा है, कल्पोपन्ना कल्पातीतात, तो ये कल्प क्या है? तो कल्प तो वहां टीकाकारों ने स्पष्ट कर दिया था, उसका अर्थ हमने समझ लिया था। यहां कहते हैं कि कल्प है कहां तक, तो प्राक माने पहले तक, ग्रैवी के भी माने ग्रैवीकों के पहले तक जो है वो क्या है, कल्प है। नीचे देखिए आप, ग्रैवीकों से पहले के वैमानिक देवों के आवास कल्प कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि वैमानिक देवों के आवासों में पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के विमान कल्प कहलाते हैं। ये हमने देख लिया था पहले कि पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक के विमान तो कहलाते हैं कल्प, और उनमें रहने वाले वैमानिक देव कल्पवासी कहे जाते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर के अर्थात नव ग्रेवक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर या उनमें रहने वाले देव कल्पातीत हैं। कल्पों में इंद्रादि भेदों की कल्पना होती है और कल्पातीत में सभी देव अहमिंद्र होते हैं, सभी समान होते हैं, उनमें छोटे बड़े का भेद नहीं है। ये आप समझ चुके हैं पहली, जब हमने कल्पोपन्ना कल्पातीतात पढ़ा था कि जो कल्प हैं वो कल्प क्यों हैं, क्योंकि वहाँ इंद्र सामानिक आदिक ये जो 10 प्रकार के भेद हैं, ये 10 प्रकार के भेद कहे गए हैं, इनकी वहाँ कल्पना की गई है, इसलिए वे तो हैं कल्प। और ऊपर इनकी वहाँ कल्पना नहीं है, ऐसे वहाँ भेद नहीं है इंद्र सामानिक आदि, इसलिए वे कहलाते हैं कल्पातीत। तो जो ग्रैवीक हैं, ग्रैवीक से पहले के जो देव हैं वे कौन हैं, कल्प हैं। प्राक माने पहले के, ग्रैवीक के भी माने ग्रैवीकों से पहले के जो देव हैं वो कौन हैं, कल्प हैं। तो ग्रैवीक कब आते हैं कि जो 16 स्वर्गों के विमान हैं उनके ऊपर जस्ट ऊपर क्या है, 9 ग्रैवीक हैं, फिर 9 अनुदिश हैं, फिर 5 अनुत्तर विमान हैं। तो 9 ग्रैवीक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, इनमें रहने वाले जो देव तो क्या कहलाते हैं, कल्पातीत। और जो इनके नीचे 16 स्वर्गों में रहते हैं वे कहलाते हैं कल्पोपन्न। इस प्रकार से ये सूत्र था। अब आया कि ये जो कल्प बालिक देव हैं, ये तो ठीक हमने तो लोकांतिक देव भी सुने हैं, तो ये लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं, इन्हें लोकांतिक देव क्यों कहते हैं? जिन्होंने पंचकलणक देखा होगा, कल भी मैंने बात की थी, तो लोकांतिक देव उसमें तीर्थंकर भगवान के दीक्षा कल्याणक में अनुमोदना करने के लिए आते हैं। तो लोकांतिक देवों की इसमें बात नहीं आई, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र आदि की तो बात आ गई। लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं, तो देखिए आप सूत्र बोलेंगे ब्रह्म लोकालया लोकांतिकः, ब्रह्म लोकालया लोकांतिकः। जो ब्रह्म लोक है, तो ब्रह्म लोक कौन सा है कि जो पांचवा स्वर्ग है, हमने नाम पढ़े थे ना, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र और उसके बाद में ब्रह्म। तो ब्रह्म लोकालया, तो जो पांचवा स्वर्ग है ब्रह्म, उस ब्रह्म लोक जो है उसमें आवास है जिनका, उन्हें कहते हैं लोकांतिक। ब्रह्म जो स्वर्ग है उस ब्रह्म स्वर्ग में जिनका आवास है उन्हें कहते हैं लोकांतिक। इन्हें लोकांतिक क्यों कहते हैं, तो इन्हें लोकांतिक इसलिए कहते हैं, मुख्य रूप से बात तो ये है कि ये देव एक भवावतारी होते हैं। जैसे कल हमने सर्वार सिद्धि के देवों की बात की थी ना, तो ये भी देव जो लोकांतिक देव हैं, ये लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, अगले भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। तो इनका लोक अंत आ गया, संसार रूपी जो लोक है वो उसका अंत समय आ गया है, इसलिए ये कहलाते हैं लोकांतिक। और दूसरा कारण कि ये लोक के अंत में रहते हैं, जो तीन लोक का आपने मैप देखा होगा, उस तीन लोक के मैप में अब जो त्रस नाली है बीच में, उस त्रस नाली में 16 स्वर्ग हैं, उन 16 स्वर्गों में जो ब्रह्म स्वर्ग है, उस ब्रह्म स्वर्ग में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, ये 8 दिशाएं होंगी। और इन 8 दिशाओं में जो
कोने का भाग है, माने उसके अकॉर्डिंग जो अंत का हिस्सा है, लोक के अकॉर्डिंग जो अंत का हिस्सा है, कोने का भाग कहें इन आठों दिशाओं में, तो उन आठों दिशाओं में इनके विमान हैं। किनके विमान हैं? लोकांति देवों के। अन्यत्र तो पूरे उसमें जो ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले देव हैं वो तो रहते ही हैं, तो ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले देवों के अतिरिक्त जो लोक का अंत का हिस्सा है वहाँ रहते हैं लोकांतिक देव। और ये जो लोकांतिक देव हैं, एक तो लोक के अंत के हिस्से में रहते हैं और अगले ही भव में संसार रूपी जो लोक है उसका अभाव करने वाले हैं, संसार भ्रमण का अभाव करने वाले हैं, इसलिए ये हैं लोकांतिक। ये जो लोकांतिक देव हैं, ये लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं, इनकी देवियाँ नहीं होती हैं। साधारणतः जो स्वर्ग में देव रहते हैं उन स्वर्गों में रहने वाली सभी देवों की देवांगनाएं होती हैं। हमने वहां देखा था कि 16 स्वर्गों तक के जो देव हैं उन 16 स्वर्गों तक के देवों की देवांगनाएं होती हैं। पहले हम देख चुके हैं इस विषय को, 16 स्वर्गों के ऊपर जो हैं वहां देवांगनाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां 16 स्वर्गों के ऊपर एक तो सब अहिमेंद्र हैं, दूसरा जो हमने शेषा स्पर्श शब्द रूप मना प्रविचार देखा था वो मन प्रविचार तो कहाँ तक था कि 16वें स्वर्ग तक था, उसके बाद प्रविचार आदि की बात भी नहीं है, वहां देवियां भी नहीं होती हैं। तो ये जो 16 स्वर्गों के देव हैं, इन 16 स्वर्गों के देवों में ब्रह्म लोक में रहने वाले देवों की देवांगनाएं तो होती हैं, लेकिन उसी ही ब्रह्म लोक में रहने वाले जो लोकांतिक देव हैं उन लोकांतिक देवों की देवांगनाएं नहीं होती हैं। और ये जो देवांगनाओं की बात है तो इन स्वर्गों में बेमाने की अपेक्षा बात कर रहा हूं मैं कि बेमाने की अपेक्षा सभी देवों की कम से कम कितनी देवांगनाएं होती हैं? 32 देवांगनाएं होती हैं। बेमानिक देवों की अपेक्षा सभी देवों की कम से कम 32 देवांगनाएं होती हैं। सौधर्म इंद्र आदि की तो संख्यात होती हैं, 40 नील तो उसकी सचिन इंद्राणी होती है, वो एक समय में नहीं, वो अलग अलग समय की बात है, टोटल सादिक 2000 सागर की जो उसकी आयु है उसकी वो बात है। ये ब्रह्म लोक के अंत में रहते, ये लोक के अंत में रहते हैं, ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं जो पांचवा स्वर्ग है, इसलिए ये देव लोकांतिक देव कहलाते हैं। इन लोकांतिक देवों के 8 प्रकार हैं, उनके नाम हम अगले सूत्र में पढ़ते हैं। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध, अरिष्टाश्च। सारस्वतादित्य, सारस्वतादित्य, वन्यरुण, गर्दतोय, तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। सारस्वतादित्य, वन्यरुण, गर्दतोय, तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। एक साथ बोलने में गड़बड़ी क्यों हो रही है? फिर से, सारस्वतादित्य, वन्य ऋण, गर्दतोय, तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। सारस्वतादित्य, वन्य ऋण, गर्दतोय, तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। देखिए इनके 8 नाम नीचे लिखे हुए हैं, सारस्वत, आदित्य, बन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट। ये लोकांतिक देव हैं। आगे देखिए जरा इनके बारे में और क्या लिखा हुआ है। तात्पर्य यह है कि लोकांतिक देव ब्रह्म नामक पंचम स्वर्ग के अंतिम भाग में रहते हैं, इसलिए उन्हें लोकांतिक देव कहा जाता है। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जिनके संसार समुद्र का किनारा अत्यंत निकट आ गया है वे लोकांतिक देव हैं, क्योंकि वे वहां से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। ये जो 16 स्वर्ग हैं अथवा जो वैमानिक देव हैं, कॉमन बात करूं मैं वैमानिक देवों की, तो इन वैमानिक देवों में एक तो जो लोकांतिक देव हैं, ये लोकांतिक देव नियम से एक भावतारी होते हैं, अर्थात अगले भाव में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये जितने देव हैं वो कोई एक अवतारी तो होते नहीं है, हो सकता है कोई मिथ्या दृष्टि आदि देव हो तो कितना ही काल तक वो संसार भ्रमण करते रहें, सामान्य देव की अपेक्षा बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ स्थानों पर जो देव जन्म लेते हैं उन देवों के एक अथवा दो भव
फिक्स होते हैं कि इतने भव में नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जैसे स्वधर्म इंद्र है, वो स्वधर्म इंद्र एक भवावतारी होते हैं, अगले भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। सचिंद्राणी हैं, एक भवावतारी होती हैं, अगले भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करती हैं। पांचवें स्वर्ग के जो देव में लोकांतिक देव हैं, वे लोकांतिक देव भी एक भवावतारी होते हैं। ऐसे ही ऊपर गए हम सर्वार सिद्धि में तो वे एक भवावतारी होते हैं, उससे थोड़ा नीचे आए तो वे दो भवावतारी होते हैं। तो इस प्रकार से हाँ दक्षिण इंद्र जो हैं वे दक्षिण इंद्र भी एक भवावतारी होते हैं। तो इस प्रकार से ये चार लोकपाल, स्वधर्म इंद्र के चार लोकपाल, ये सब एक भवावतारी होते हैं जो नियम से अगले भव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये जो पंच प्रावर्तन का सामान्य हमने सुना हुआ है कि पंच प्रावर्तन जीव अनादिकाल से करता आ रहा है, तो उन पंच प्रावर्तनों में सामान्य से तो ऐसा कथन किया जाता है कि इस जीव ने सभी पदों को प्राप्त किया है, लेकिन इस जीव ने ये कुछ गिने हुए 8 पद हैं जिन पदों को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि यदि इन पदों को प्राप्त कर लिया होता तो एक अथवा दो भव में यह जीव मोक्ष नियम से जा चुका होता। हम कभी स्वधर्म इंद्र बने हैं क्या? अनादिकाल से आज तक हम कभी स्वधर्म इंद्र बने हैं क्या? नहीं बने। नहीं बने इसका क्या प्रमाण कि हम यहाँ बैठे हैं? यदि बने होते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, तो कहाँ बैठे होते? ऊपर मोक्ष में बैठे होते। तो इसलिए हम आज तक स्वधर्म इंद्र नहीं बने। ब्रह्मलोक में कभी देव हुए क्या हम? नहीं हुए, क्योंकि यदि इन पदों को हमने प्राप्त किया होता तो ये सब एक भवावतारी पद हैं, नियम से अगले भव में मोक्ष चला इनका हो गया होता तो आज हम यहाँ बैठ कर इनकी चर्चा नहीं कर रहे होते। फिर क्या कर रहे होते कि उनकी चर्चा हो रही होती, माने हमारी चर्चा फिर यहाँ पर हो रही होती। चलिए वो तीन प्रकार के जो निम्न देव है ना, उनकी देवियों की संख्या 5-6 भी आई है। वैमानिक देवों की अपेक्षा जो न्यूनतम देवियों का कथन है वो 32 है। अन्य जो तीन प्रकार के देव हैं उन देवों के लिए 5-6 देवियों की भी बात आई है, ऐसा है। माने वो चारों निकायों के देवों के ही 32 देवियां कम से कम होती हों, ऐसा जो सामान्य कथन प्रचलित है उसके निषेध में ऐसा मैंने पढ़ा तो मैंने आपको ये बतलाया। हाँ देखिए आप जरा, अब ये लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं, अत्यंत वैराग्य प्रवृत्ति के होते हैं, विषय विरक्त होने से देवर्षि कहे जाते हैं। ये 14 पूर्व के पाठी, ज्ञानोपयोगी, संसार से उद्विग्न, अनित्य आदि भावनाओं को भाने वाले, अति विशुद्ध सम्यक दृष्टि होते हैं। यहाँ तक कि ये तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में भी आद्योपांत नहीं रहते हैं, मात्र दीक्षा कल्याणक के अवसर पर तीर्थंकर देव के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। पूर्व उत्तर आदि 8 दिशाओं में क्रम से सारस्वत आदि देवगण रहते हैं। पूर्वोत्तर कोण में सारस्वतों के विमान हैं, पूर्व दिशा में आदित्यों के विमान हैं, पूर्व दक्षिण दिशा में बन्नी देवों के विमान हैं, दक्षिण दिशा में अरुण विमान हैं, दक्षिण पश्चिम कोणों में गर्दतो देवों के विमान हैं, पश्चिम दिशा में तुषित देवों के विमान हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में अव्यावाद देवों के विमान हैं और उत्तर दिशा में अरिष्ट देवों के विमान हैं। अभी जो मैंने आपको सामान्य इतना कहा था कि 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, इस प्रकार से टोटल 8 जो दिशाएं और 10 दिशाएं कही जाती हैं, तो उनमें जो 8 दिशाएं हैं उन 8 दिशाओं में ये जो 8 हमने नाम अभी पढ़े ये एक एक कोने में रहते हैं, उन कोने मतलब उसके अंत में रहते हैं, दिशाओं के अंत में रहते हैं। तो उस अपेक्षा से यहाँ बतलाया कि कौन से देव किस दिशा में रहते हैं, इस विषय को यहाँ स्पष्ट किया। ये सभी स्वतंत्र हैं, किसी इंद्र के अधीन नहीं हैं, सब समान हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। अर्थात एक तो ये ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादिक के अधीन नहीं है, और दूसरी बात इनमें इंद्र सामानिक आदि के भेद नहीं है, माने ये सब स्वतंत्र हैं। जैसे ऊपर अहिमेंद्र आदि हैं, माने ये सब भी अपने अपने इंद्र हैं, ये किसी के अधीन नहीं है और ये अपने अधीन भी किसी को रखते नहीं हैं। तो इस प्रकार से इनमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। ये बात हुई किसकी? लोकांतिक देवों की, जो ब्रह्म नामक स्वर्ग 5वां स्वर्ग है उसमें निवास करते हैं। हाँ ये लोकांतिक देव सभी मोक्षगामी हैं, एक भवावतारी हैं सभी। इसके बाद बात करते हैं कि जो नीलनाथ भगवान देखो ये लोकांतिक देव रजनी कहते हैं, उनको
हाँ, तो वो प्रसंग ही ऐसा बना ना, क्योंकि सामान्य रूप से जो राजकुमार अथवा जो राजा होते हैं, सामान्य रूप से तीर्थंकर राजा देख होते हैं और राज्य काज्य करते हुए दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस समय जब दीक्षा ग्रहण करने का विकल्प आता है तो राजावस्था में उसको जो परिग्रह उसको छोड़ते हैं, तो उस समय वो वहाँ आते हैं। और अब इनका प्रसंग ही ऐसा बना कि इन्हें वैराग्य रथ पर बैठे बैठे आया, तो वो लोकांतिक देवों का जो कार्य है, मतलब कार्य मतलब कि वो कब आते हैं कि दीक्षा कल्याणक में वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं। अब वैराग्य ही ऐसे स्थान पर हुआ कि बारात जा रही है उसमें वैराग्य हो गया, तो वहाँ अनुमोदना करने आ गए, उसमें कोई बाधा नहीं है। चलिए अगले पेज पर देखिए, आप द्वि चरम शरीर की बात की गई है, सूत्र बोलेंगे आप, विजया दिशु द्वि चरमा, विजया दिशु द्वि चरमा, नीचे अर्थ लिखा हुआ है, विजय आदि दो चरम वाले होते हैं, माने विजय, बैजयंत, जयंत और अपराजित, ये जो चार विमानों में रहने वाले देव हैं, ये चारों विमानों में रहने वाले देव द्वि चरम होते हैं। ये तो थे एक चरम, एक भावावतारी, ये होते हैं द्वि भावावतारी। वैसे इसको मैंने कल स्पष्ट कर दिया है, ये भी मैंने कहा था कि कल सूत्र पढ़ेंगे, अर्थ अभी बता दे रहा हूँ, पर फिर से मैं एक बार इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। द्वि चरम होते हैं, इसका क्या तात्पर्य है कि ये मनुष्यों के दो भावों को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि चरम जो शरीरी है वो चरम शरीरी केवल चार गतियों में मनुष्य गतियों के जीव होते हैं। तो ये जो विजय, बैजयंत, जयंत और अपराजित स्वर्ग में रहने वाले देव हैं, स्वर्ग मतलब कल्पातीत हैं, वैसे तो उनमें विमानों में रहने वाले जो देव हैं, ये देव वहाँ से चय करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके पुनः विजयादिक में जन्म लेंगे, वहाँ से चय करके फिर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य पर्याय की अपेक्षा इनके दो भव हुए और दूसरे भव में अब ये नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इसमें मैं आपको एक विषय और स्पष्ट कर रहा हूँ, कल किसी का मेरे से ऐसा प्रश्न था बाद में, बोले आप कह रहे हो कि विजय आदि से जो जीव है ना वो द्विभावतारी होता है, तो विजय में मैं कोई माने विजय विमान में कोई देव है, वहां से चय करके मनुष्य हुआ, वही मनुष्य फिर से विजय में पहुंचा, ठीक है ना, अब फिर चय के मनुष्य हुआ, तो अभी अभी तो विजय से आके मनुष्य हुआ है, तो इसको फिर विजय में जाना चाहिए, तो फिर विजय में गया, फिर वहां से चय के फिर मनुष्य होगा, तो विजयादिक के दो चरम होते हैं, तो अब विजयादिक से फिर आया तो फिर विजय में जाना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है। वो जो अपन लूडो आदि गेम खेलते ना, तो उसके पास में छः आ जाए तो दोबारा चलते हैं, फिर छः आ जाए तो दोबारा चलते हैं, फिर छः आ जाए दोबारा चलते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं लगाना। ऐसे ही एक बात और मैं आगे स्पष्ट कर रहा हूँ, ऐसी जब आप पढ़ेंगे नरक गति का, वैसे मैंने आपको तीसरा अध्याय तो पूरा हो गया है, पर सामान्य बात बताता हूँ, सातवें नरक का जो नारकी जीव है, उस सातवें नरक का नारकी जीव निकल करके नियम से सिंह आदि क्रूर पर्यायों में जन्म लेता है और वहां से फिर से सातवें नरक में जाता है। अब आप कहो कि दोबारा सातवें नरक में गया, तो वहां और सातवें नरक से निकलने की क्या व्यवस्था, कि सातवें नरक का निकला हुआ जीव शेर बन के दोबारा सातवें नरक में जाएगा, माने सिंह आदि क्रूर पर्यायों को प्राप्त करके क्या बनेगा, तो सिंह आदि में वज्र संहार संग्रहण होगा ना, नहीं मैं एक बात कह रहा हूं कि जो सातवें नरक के जीव हैं वे सातवें नरक के जीव निकल करके नियम से सिंह आदि क्रूर पर्यायों को प्राप्त करते हैं और वहां से फिर वो नियम से नरक में जाते हैं। तो ऐसे ही जो नरक, और एक बार नरक में जा सकते हैं मैगजी, माने सातवें नरक में जाएगा वो दोबारा से, तो एक बार सातवें नरक में जाएंगे, तो वहां गए तो उसकी गिनती फिर से स्टार्ट नहीं हो जाएगी, उसकी गिनती फिर से स्टार्ट नहीं होगी, ऐसी ऊपर वालों की गिनती फिर से स्टार्ट नहीं होगी। वो तो एक बार विजय आदि में गए तो वहीं से वो गिनती स्टार्ट हो जाएगी दो भाव की, माने एक बार गए तो दोबारा गए तो फिर से शुरू से हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो अब वो एक बार विजयादिक में पहुंच गए, विजयादिक से पहुंचने के बाद मनुष्य भव को धारण किया, फिर वहां से एक काउंटिंग हुई मनुष्य भव की, दोबारा विजयादिक में गए और वहां से अब मनुष्य भव को धारण किया, द्विभव में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से ये जो विजय, बैजयंत, जयंत और अपराजित इन विमानों में रहने वाले देव हैं, ये देव दो भव में मनुष्य माने दो मनुष्य भाव के पर्याय को प्राप्त करके नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ तो द्वि हाँ हाँ नहीं जो द्वि चरम शरीरी हैं
एक तो ये वाली बात हुई वो मोक्ष जाते हैं, पर द्वि चरम शरीर तो इस अपेक्षा से कहा कि अब बीच के कोई भाव उनके नहीं होंगे, केवल दो मनुष्य भावों को प्राप्त करके वो नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। चरम शरीरी और स्वर्ग जाने में तो कोई, चरम शरीरी जो हैं वे चरम शरीरी तो नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। चरम शरीरी माने जो सामान्य चरम शरीरी हैं वे तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उन्हें ही चरम शरीरी कहते हैं। यहाँ तो द्वि चरम शरीरी कहा ना, तो इसलिए वो एक और फिर दूसरे मनुष्य, हाँ तो मोक्ष को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं हाँ, लेकिन जो सामान्य चरम शरीरी होंगे वे उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसके बाद तीसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा नारकियों के बारे में, चौथे अध्याय में पढ़ा देवों के बारे में कि जिनका उपपाद जन्म हो वे कहलाते हैं देव, जिनका उपपाद जन्म हो वे कहलाते हैं नारकी, और मनुष्य जो होते हैं उनके भी बारे में भी पढ़ा। तो मनुष्य भी हो गए, नारकी भी हो गए, देव भी हो गए, अब जो बचे वे कौन हैं, तो उसके लिए कहते हैं औपादिक, औपादिक मनुष्येभ्य शेषाः त्रियग योनयः, औपादिक मनुष्येभ्य शेषाः त्रियग योनयः, औपादिक मनुष्येभ्य शेषाः त्रियग योनयः। तो इसमें कहा कि औपादिक माने जो उपाद जन्म जिन्होंने लिया है वे कहलाएंगे औपादिक। तो उपाद जन्म लेने वाले कौन हैं कि देव और नारकी और मनुष्येभ्य, उपाद जन्म लेने वाले देव और नारकी और मनुष्य, इन्हें छोड़ करके शेषाः माने इनको छोड़ दो, जिन्होंने उपाद जन्म लिया है उन्हें छोड़ दो और जो मनुष्य हैं उन्हें छोड़ दो। तो शेषाः जितने अब बचे जीव वे सभी जीव कौन हैं, त्रियग योनि, हाँ त्रियंश योनि वाले हैं, त्रियंश हैं वे सब कौन हैं, त्रियंश हैं। कौन कौन त्रियंश हैं कि जो मनुष्य नहीं हैं, जो उपाद जन्म लेने वाले नहीं हैं उन्हें छोड़ करके सब त्रियंश हैं, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य देव और नारकी सभी सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, परंतु एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव त्रियंश ही हैं, निगोदिया जीव भी त्रियंश ही हैं, सैनी पंचेंद्रिय भी त्रियंश होते हैं। त्रियंशों का कोई एक स्थान सुनिश्चित नहीं है, वे संपूर्ण लोकाकाश में पाए जाते हैं। त्रियंश जीव कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्यों का स्थान फिक्स है क्या, मनुष्यों का स्थान फिक्स है क्या, नहीं है, मनुष्यों का स्थान फिक्स नहीं है, है ना। कहाँ रहते हैं मनुष्य, ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य रहते हैं क्या, नारकियों का स्थान फिक्स है क्या, कहाँ रहते हैं, सात पृथ्वियों में, कहाँ रहते हैं, सात पृथ्वियों में अधोलोक में। देवों का स्थान फिक्स है क्या, कहाँ रहते हैं, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे थोड़े बीच में, मतलब जो वैमानिक हैं वो वैमानिक कहाँ रहते हैं, 16 स्वर्गों में, और जो कल्प माने कल्पातीत और कल्प उपन्न उनके विमान है वो वहाँ रहते हैं, भवनवासी नीचे भवनों में रहते हैं, ज्योतिषी अपने विमानों में रहते हैं, बेंतर जो हैं वे बेंतर क्यों हैं, क्योंकि वे कहीं भी रहते हैं, तो अधोलोक में भी उनका स्थान है, मध्यलोक में भी उनका स्थान है, त्रियक में भी, असंख्या जो द्वीप समुद्र हैं, मनुष्य तो केवल ढाई द्वीप में ही रहेगा लेकिन त्रियंश असंख्या द्वीप समुद्रों में सर्व में रहते हैं। और अब क्या बचे, बेंतर हो गया, भवनवासी हो गए, ज्योतिषी हो गए, वैमानिक हो गए, देव हो गए, अब जो बचे वे कौन सब, त्रियंश, अब जो बचे वे कौन सब, त्रियंश। और त्रियंश कहाँ रहते हैं कि लोकाकाश में, पूरे जो लोकाकाश के प्रदेश हैं उन सब में, सर्व समस्त प्रदेशों में भी व्याप्त हैं। तो सबसे अधिक जीव कौन हुए, चार गतियों की अपेक्षा सबसे अधिक जीव कितने कौन हुए, तो ये जो मनुष्य हैं, देव हैं और नारकी हैं, ये तो संख्याता संख्यात हैं, इनकी संख्या कितनी है, मनुष्य त्रियंश और नारकी इनकी संख्या है संख्याता संख्यात, असंख्याता संख्यात, असंख्यात और असंख्यात। और जो देव हैं, जो त्रियंश हैं, उन त्रियंश गति के जीवों की संख्या कितनी है कि अनंतानंत, कितनी संख्या है, अनंतानंत। तो अनंतानंत जो हैं त्रियंश गति के ही जीव हैं। इस प्रकार से इसमें बतलाया कि जो समस्त जीव हैं मनुष्यों को और देवों और नारकियों को छोड़ करके, वे सभी जीव कौन हैं कि वे सभी जीव त्रियंश हैं। तो ये अभी सामान्य वर्णन पूरा हुआ देवों के बारे में। अब केवल इन देवों की आयु रह गई कि देवों की आयु कितनी होती है। तीसरे अध्याय में हमने जो नारकी जीव हैं उन नारकी जीवों की आयु देखी थी, तो वो जो आयु थी ना
वो उन नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु थी। कितनी आयु, कैसी आयु थी वो? उत्कृष्ट आयु थी। अब इसमें एक सूत्र आएगा जिसमें नारकी जीवों की जघन्य आयु बतलाई जाएगी और बाकी के जो अन्य जीव हैं, मनुष्यों की आयु हमने देख ली क्या पहले? मनुष्यों की आयु हमने पहले देखी क्या? क्या देखी थी हमने? उत्कृष्ट कितनी होगी? 3 पल्ले। और जघन्य कितनी होगी? जघन्य कितनी होगी? अंतर्मूर्त। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु देखी थी 3 पल्ले, जघन्य होगी अंतर्मूर्त। उसी के नीचे हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या था वो? त्रयग योनिजा नामचा। क्या सूत्र था वो? त्रयग योनिजा नामचा, कि जो त्रियंच हैं उन त्रियंचों की भी उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 3 पल्ले। और जघन्य आयु कितनी होगी? कितनी होगी? अंतर्मूर्त। नारकियों की उत्कृष्ट आयु तो हमने देख ली, तो नारकियों की बची है जघन्य आयु। तो एक तो हम नारकियों की जघन्य आयु देखेंगे, उसके बाद अब किसकी आयु बची? केवल कि देवों की आयु बची। तो देवों की आयु के लिए यहां सूत्र दिए हुए हैं कि देवों की आयु कितनी होती है, तो इनको हम देखते हैं। जरा निकालिए आप नेक्स्ट पेज पर, सूत्र नंबर है 28। इसमें देवों की आयु बतलाई गई है और केवल अब आयु का ही प्रकरण है, इसके बाद में ये अध्याय भी पूरा हो जाएगा। 28 सूत्र से लेकर 42 सूत्र तक 14-15 सूत्रों में ये आयु का प्रकरण चलता है। देखिए आप जरा, स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम अर्धहीनमिता। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिता सौधर्म ईशानयो सौधर्म ईशानयो सागरोपमेधिके सौधर्म ईशानयो सागरोपमोधिके सानत कुमार महेंद्रयो सप्त सानत कुमार महेंद्रयो सप्त त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशवी रधिकानीतु। त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशवी रधिकानीतु। यहाँ तक जो 16 स्वर्गों के देव हैं, अभी 2 और नीचे रह रहे हैं क्योंकि उसमें फिर ग्रेवक आदि की बात आ जाएगी, माने 14 स्वर्गों के जो देव हैं उनकी आयु पूरी हुई। जरा इन्हीं के आप नीचे अर्थ देखिए, स्थिति रसुर नाग जो था ना, तो स्थिति ही असुर नाग। सुपर्ण द्वीप शेषाणाम, सबसे पहले भवनवासी देवों की इसमें स्थिति बतलाई। देखिए आप जरा, भवनवासियों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेषाणाम, और जो बाकी के शेष 6 कुमार रह गए उनकी आयु क्रमशः सागरूपम, माने पहले सागरूपम लगा दी सबके साथ में सागरूपम। अब देखिए, माने एक सागरपम हो गई, त्रि माने फिर 3 सागर होगी, और पल्ल्योपमार्धहीनमिता माने पहले जिनके नाम गिना दिए, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, और बाकी के बचे 6 कुमार, इनकी आयु क्रमशः 1 सागर 3 पल्ले और इसके बाद आधा आधा पल्ले कम करते जाएं, ऐसी इनकी आयु होती है। नीचे और स्पष्ट किया हुआ है, देखिए आप जरा, तात्पर्य यह है कि असुर कुमारों की 1 सागर, नाग कुमारों की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले, द्वीप कुमारों की 2 पल्ले और शेष बचे 6 कुमारों की, अर्थात विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दिक कुमार, इन सब की आयु 1.5 पल्ले है। जो भवनवासी देव हैं, इन भवनवासी देवों के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 10। तो आखिरी में कहा कि जो शेषाणाम कहा, तो शेषाणाम में कितने लेना? 6। शेषाणाम में कितने लेना? 6। तो वे जो 6 देव हैं, उन 6 देवों की आयु कितनी? कि 1.5 पल्ले। कितनी आयु है? सबकी 1.5 पल्ला आयु है। तो 1.5 और 1.5 पल्ले माने सबकी 3 पल्ले आयु हो गई, ऐसा। तो फिर कैसा कि हरेक की 1.5 पल्ले 1.5 पल्ले, इसके लिए लिखा है 1.5 पल्ले, ठीक है, माने प्रत्येक एक की 1.5 पल आयु होती है। अब जो 4 बचे, उन चारों में जो पहला है, कौन है पहला? पहला कौन सा है? असुर कुमार। असुर कुमार की कितनी होगी? दूसरे कौन है? उनकी कितनी?
तो एक सागर के बाद सीधे कितने, तीन पाले, ठीक है। माने सागरोपम में जो आयु है वो केवल किसकी है, असुर कुमार की है, वो भी कितने सागर, केवल एक सागर। असुर कुमार की आयु कितने सागर, एक सागर। दूसरे कौन है, नाग कुमार, दूसरे कौन है, नाग कुमार, उनकी आयु कितनी, तीन पल्ले। तीसरे कौन है, सुपर्ण कुमार, उनकी आयु कितनी, ढाई पल्ले। उसके बाद चौथे कौन है, दीप कुमार, उनकी आयु कितनी, दो पल्ले। और बाकी सबकी कितनी, याद कितना रखना है कि पहले की आयु कितनी, एक सागर, और दूसरे की कितनी, अब तीन से कितना करना है, आधा आधा करना है। तो दूसरे की तीन पल्ले, तो तीसरे की ढाई पल्ले, तो चौथे की दो पल्ले, और अब बाकी की जो छह बच्चों की कितनी, डेढ़ पल्ले। याद हो गई, फिर से, पहले की आयु कितनी, दूसरे देव की, तीसरे की, चौथे की, और बाकी सबकी, तो असुर कुमार की, असुर कुमार की, और सुपर्ण कुमार की, और जो स्तनित कुमार है उसकी, उदधि कुमार की। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इनकी आयु का क्रम है, केवल पहले का याद रखना है कि उसकी आयु एक सागर, दूसरे की आयु तीन पल्ले, और फिर आधा आधा कम करते जाइए केवल तीन और आगे तक, उसके बाद सबकी आयु डेढ़ पल्ले समान है। धर्मेंद्र और पद्मावती नाग कुमार हैं क्या? मैंने जो पढ़ा उसमें मुझे ये अभी ख्याल में आया कि अभी कौन से उसमें, मुझे ऐसा ख्याल में तो नहीं है, पर जो धर्मेंद्र और पद्मावती का जगत में देव देवी हैं ऐसा जो योग चलता है, वास्तव में धर्मेंद्र जो है उसकी देवी जो है उसका नाम पद्मावती है नहीं। आगम में जो धर्मेंद्र मिलते हैं उनकी देवी का नाम पद्मावती नहीं है, और जो पद्मावती है वो हमारे यहाँ देवी नहीं है। पद्मावती नाम की कोई ऐसी देवी का ख्याल में नहीं आता है पढ़ने में। और जो धर्मेंद्र हैं उनकी जो देवी है वो पद्मावती तो नहीं है, उनकी धर्मेंद्र की देवी का जो नाम है वो भूल रहा हूँ मैं अभी, पर पद्मावती वो पक्का नहीं ही है। अब रही बात ये कौन से हैं, तो ऐसा मुझे पक्का तो नहीं मालूम कि नाग कुमार है, हो सकता है कि वो नाग कुमार हो। और ये जो 10 प्रकार के इनके भेद है ना, मैंने वैसे विद्यार्थियों को पहले बताया हुआ है जब चर्चा आई थी इनकी, कि ये 10 प्रकार के भेद हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार, बातस, ये सब जो, ये सब भेद इनके ऐसे नाम कर्म के उदय के कारण से होते हैं। असुर कुमार नाम कर्म के उदय के कारण से असुर कुमार हुए, नाग कुमार नाम कर्म के उदय के कारण से नाग कुमार हुए, स्तनित कुमार नाम कर्म के उदय के कारण से स्तनित कुमार हुए। तो यदि कोई ऐसा पूछे कि नाम कर्म के ऐसे, तो हमने भेद कभी पढ़े नहीं है, हमने तो 93 या 28 भेद पढ़े हैं, 93 भेद पढ़े हैं। तो वो जो 93 आपने प्रकृतियाँ पढ़ी हैं वो तो अति स्थूल हैं, ऐसे इसके असंख्यात भेद होते हैं नाम कर्म के, उन नाम कर्मों में इनकी ऐसी नाम कर्म के उदय कारण से ये अवस्था इनकी होती हैं। भवनवासी तो है नहीं है, युगल नहीं है, वही कह रहा था अभी, हाँ नहीं है, कहाँ से आ गया पता नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र जो है उसकी जो देवी है उसका नाम पद्मावती तो नहीं है, नहीं है। और उसकी देवी का नाम भी उपलब्ध है आगम में, मैं देख के बता सकता हूँ कल। ये तो आ गई बस, ऐसी तो कितनी बातें जो आ गई, कहाँ से आ गई, क्या उनका कोई सिर पैर भी नहीं है, कहाँ से आ गई, चल रहा है तो चल रहा है बस, देखिए अब आप। तो इस प्रकार से ये जो भवनवासी देव हैं, इन भवनवासी देवों की आयु देखी हमने, एक सागर, तीन पल्ले, दो पल्ले, ढाई पल्ले और डेढ़ डेढ़ दो पल और डेढ़ डेढ़ पल्ले। उसके बाद कहते हैं कि जो सौधर्म स्वर्ग के देव हैं, सौधर्म स्वर्ग है, और कौन सा स्वर्ग है, ईशान स्वर्ग, इसकी जो आयु है वो लिखा है सागरोपमे अधिके, कितनी आयु है, सागरोपमे अधिके। तो सागरोपमे जो शब्द है वो द्विवचन का सूचक है, इसलिए दो सागर, और दो सागर में कुछ अधिक। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु दो सागर, और दो सागर में कुछ अधिक, ये इनकी दो सागर में कुछ अधिक आयु होती है सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की। उसके बाद कहा सानत कुमार महेंद्र यो सप्त, जो सानत कुमार हैं और महेंद्र हैं इनकी कितनी, के सात सागर, ठीक है। और अब जो बाकी के बचे तो उनकी लिख दी त्रि सप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदशवीं अधिकानी तू, तो नीचे एक बार इनका अर्थ देख लीजिए, फिर अभी यहीं चर्चा पूरी करूंगा मैं, 16 स्वर्गों तक ही शेष की चर्चा हम करेंगे। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु दो सागर से कुछ अधिक है। घातायुष्क देवों की आयु अन्य देवों की अपेक्षा आधा सागर अधिक होती है। घातायुष्क अर्थ यह होता है कि जैसे कोई देव है, माने जैसे कोई जीव है, और उस जीव ने मान लीजिए कि 14वें स्वर्ग की आयु बांधी,
और 14वें स्वर्ग कितनी आयु अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो वो 14वें स्वर्ग की आयु बांधी और उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में जैसे राजश्रेणिक ने सातवें नरक की आयु बांधी, परिणाम अच्छे हुए तो पहले नरक में गए, लेकिन इन्होंने तो बांधी ऊपर के स्वर्ग की आयु, अब परिणाम बुरे हुए तो कहां जाएंगे, नीचे के स्वर्ग में जाएंगे। अच्छे परिणाम के कारण से ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी और परिणाम संकलेश रूप हुए तो ये नीचे के स्वर्ग में जाएंगे। तो इनकी जो आयु है, इनकी आयु अन्य देवों की अपेक्षा आधा सागर अधिक होगी। ऊपर की जितनी आयु थी ना, जो कम हो गई, तो वो कहलाते हैं घातायुष्क, माने आयु में हो गया उनका घात। तो घातायुष्क होने के कारण से अन्य देवों की अपेक्षा इनकी आयु आधा सागर अधिक होगी, ये बात यहां लिखी है। फिर नीचे वो स्पष्ट किया हुआ है कि जिन्होंने पहले ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी थी, बाद में संकलेश परिणामों के कारण जो आयु में ह्रास करके नीचे के स्वर्ग में उत्पन्न हुए, वे घातायुष्क कहलाते हैं। घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग तक ही होती है, इसलिए कुछ अधिक आयु वाली बात भी वहीं तक होती है। माने जो 12वें स्वर्ग तक के देव हैं वे ही घातायुष्क होंगे, उसके ऊपर के देव घातायुष्क भी नहीं होंगे। माने ऊपर के आयु बांधी तो वो जीव उतनी आयु का भोग करेगा, आयु कम हो रही है तो 12वें स्वर्ग तक ही वो होगी, इसके बाद वो कम आयु वाले देव वहां नहीं जाएंगे, घातायुष्क वाले देव वहां पर नहीं जाएंगे। 12वें स्वर्ग तक हो सकते हैं, हाँ सब हो ऐसा नहीं, हो सकते हैं, हाँ हाँ अन्य मती 12वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। सानत कुमार और माहिंद्र स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। पूर्व सूत्र में कहे गए युगलों की आयु से क्रम पूर्वक 3, 7, 9, 11, 13 और 15 अधिक आयु उसके बाद के स्वर्गों में होती है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव कापिष्ट युगल में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक, सतार सहस्रार में 18 सागर से कुछ अधिक तथा आनत प्राणत में 20 सागर और आर्ण अच्युत में 22 सागर। ये 20 सागर फिक्स है, यहाँ कुछ अधिक नहीं होगी, 22 सागर फिक्स है, यहाँ कुछ अधिक नहीं होगी। तो अभी मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, ये आपको मैं कल याद करवाऊंगा, बस अंतिम प्रश्न मेरे दो। वैमानिक देवों की अपेक्षा और वैमानिकों में भी कल्पवासी देवों की अपेक्षा, अभी जो हमने पढ़ा, मैं मिनिमम आयु नहीं पूछ रहा हूं, पहले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी, पहले और दूसरे कल्प की स्वर्ग है उनकी कितनी आयु होगी, 2 सागर में कुछ अधिक, सागर पर माने 2 सागर, क्योंकि द्विवचन का शब्द है वो, तो 2 सागर में कुछ अधिक, ठीक है। और स्वर्गों की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु कितनी होगी, स्वर्गों की अपेक्षा का मतलब है कि 16 स्वर्गों की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु कितनी होगी, 22 सागर। माने सामान्य से हम जब चर्चा करते तो कहते हैं स्वर्गों में 33 सागर की आयु, सामान्य से तो बात ठीक है, लेकिन स्वर्ग जो 16 स्वर्ग हम जानते हैं, उन 16 स्वर्गों की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु कितनी है, 22 सागर, क्योंकि उसके बाद वो स्वर्ग नहीं है, वो तो ग्रेवक हैं, अनुदेश हैं, अनुत्तर विमान हैं, तो उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, लेकिन स्वर्गों की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु कितनी है, 22 सागर, ठीक है। तो 22 सागर कौन से स्वर्ग की, कौन स्वर्ग की, 15वें और 16वें स्वर्ग की, ठीक है। तो शेष जो आयु है वो हम कल याद करेंगे, अभी यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। 16वें स्वर्ग में प्रतिंद्र है।